जमशेदपुर से 20 किलोमीटर दूर धान चटानी में जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में झारखंड के सीएम रघुवर दास ने शिरकत की, जहां पर सीएम रघुवर दास ने ग्रामीण जनता से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को जाना और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार और जनता के बीच की दूरी को मिटाने में जन चौपाल एक अहम भूमिका निभा रही है। जो सुविधा शहर में मिलती है और ग्रामीण जनता को हमारी मिले, चाहे पीने का शुद्ध पेयजल हो, बिजली हो, सड़क हो, और इसलिए हमारी सरकार ने इस राज्य की जो आधारभूत संरचना, क्योंकि बिना आधारभूत संरचना के विकास के ना हम आर्थिक प्रगति कर सकते हैं ना सामाजिक विकास कर सकते हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार जो आधारभूत संरचना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पेयजल हो, और इस दृष्टिकोण से आज सड़क पुल, हम सभी जानते हैं पुल दो गांव को जोड़ने का काम है। उसी तरह हमारी सरकार की यह मंशा है कि कुछ लोग वोट बैंक के राजनीति में 14 वर्ष से लोगों को भड़का के अपनी उल्लू सुधा करने का काम, मत पेटी अपनी भरी, अर्थ पेटी अपनी भरी, ये जो दूरियां थी, दिलों की जो दूरियां थी, इस पुल सड़क के शिलान्यास के कार्यक्रम में दिलों की दूरियां को भी कम करने के लिए ये सरकार चौपाल कार्यक्रम आयोजित, ताकि जनता और शासन के बीच कोई दूरियां न रहे, कोई बिचौलिया न रहे, और इस दृष्टिकोण से जिस तरह पुल दूरियां कम करती है, ये चौपाल शासन सरकार और जनता के बीचों जो दिल की दूरियां, उस दिल की दूरियां को कम करने के लिए चौपाल के कार्यक्रम चल। इस मौके पर सीएम रघुवर दास ने कुल 131 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर लोगों को दीपावली का तोहफा दिया। वहीं सीएम रघुवर दास ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 14 साल तक झारखंड को लूटने वाले लुटेरे फिर से एक होकर लूटने की फिराक में है। सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हो, सिर्फ जुबानी खर्च करने का काम किया। मुझे याद है यूपीए की सरकार थी, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है सांसद, इतना झूठ बोलते थे जिसके जमशेदपुर की जनता को पता, जब दिल्ली से आए बोला सैंक्शन हो गया। आपको पता है सर, मैं पुराना याद कर रहा था, कैसे झूठ परे करने वाले राजनीतिक दल इस देश को 67 वर्ष तक देश को पीछे ले जाने का, इस राज्य को पीछे ले जाने का काम, क्योंकि इन दल ने सिर्फ देश को और राज्य को लूटने का। लेकिन जो राज्य की विकास की आवश्यकता थी, देश की जो विकास की आवश्यकता थी, जो देश में करोड़ों गरीब की जिंदगी में जो बदलाव होनी चाहिए, जो आधारभूत संरचना, जो किसी भी देश और राज्य की आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते, उस पर ध्यान नहीं। आपको बता दें कि सीएम रघुवर दास पूरे प्रदेश में जनता के बीच जाकर अपनी योजनाओं को बता रहे हैं, ताकि इसका लाभ उन्हें साल 2019 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।